कोरोना के कहर को रोकने के लिए पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया। यहाँ लोग घर में ही रहे, इसलिए धारा 144 भी लगा दी गई। लेकिन इसके बाद भी शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। इसके बाद मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन कर रहे प्रदर्शनकारियों और शाहीन बाग में लगे टेंटों को हटवा दिया। मामले पर बात करते हुए दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि विरोध कर रहे 10 से 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि शाहीन बाग को खाली कराया जाए। बताते चले कि दिल्ली के साथ साथ कोलकाता के पार्क सर्कस और लखनऊ के घंटाघर में भी CAA के विरोध में शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि दोनों ही जगहों को सोमवार को ही खाली करा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।